तो चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि जालौर के रानीवाड़ा में निजी अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इसके चलते अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहा है और सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। सीएससी में बढ़ती मरीजों की संख्या को लेकर चिकित्सा विभाग ने व्यवस्थाएं की है। इस पर हमारे संवाददाता रविन्द्र सिंह ने ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाबूलाल राजपुरोहित से बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। जालौर जिले के रानीवाड़ा शहर में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में सभी निजी अस्पताल और मेडिकल की दुकानें बंद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हो, मैं इस वक्त रानीवाड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उपस्थित हूं और यहां पर आप देख सकते हो कि जो राइट टू हेल्थ बिल के विरोध के बाद में जो निजी अस्पताल और मेडिकल की दुकानें बंद होने के बाद में सरकारी अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी है। हमसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, राइट टू हेल्थ बिल जिसका विरोध पूरे राजस्थान में हो रहा है, निजी अस्पताल और दुकानें बंद है, तो उसके बाद में रानीवाड़ा सीएससी में कितनी ओपीडी बढ़ी है? सर, जैसा आपने सवाल पूछा है कि आरटीएच बिल है, आरटीएच बिल के अगेंस्ट में आईएमए और प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन ने बंद रखा है आज संपूर्ण भारत में। उसको देखते हुए हमारे रानीवाड़ा के प्राइवेट हॉस्पिटल सारे बंद हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के भी 2 घंटे का बहिष्कार था। उसके बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जितनी आम ओपीडी होती है 250 से 300, वैसे सीजन अभी सीजनल वायरल चल रहा था तो वैसे 400 तक ओपीडी थी। अभी ओपीडी कल और परसों की ओपीडी देखी जाए तो वो 1.5 से 2 गुना बढ़ी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ओपीडी। डिलीवरी लोड भी बढ़ा है, अपेक्षा कर 1 या 2 डिलीवरी पर डे होती थी, उसकी जगह 4 से 5 डिलीवरी आने लग गई है और ओपीडी लोड पहले की तुलना में 1.5 से 2 गुना अभी बढ़ा है। सर, आप सीएससी के इंचार्ज हो, तो जो राइट टू हेल्थ बिल है उसका विरोध चल रहा है और उसके बाद में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ओपीडी लगातार बढ़ रही है, चिकित्सकों की कोई अतिरिक्त यहाँ पे कोई लगाई व्यवस्था की आपने? हमारे यहाँ पर वैसे स्वीकृत पद 8 है चिकित्सकों के, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रानीवाड़ा में 30 बेडेड हॉस्पिटल है ये, और अभी उसके अगेंस्ट में कार्यरत 3 डॉक्टर है। तो हमने वैसे पेरीफेरी से वैकल्पिक व्यवस्था की है कि ओपीडी भार को देखते हुए अल्टरनेट डे पे और पेरीफेरी से डॉक्टर हम बुला करके हम इस व्यवस्था को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ सर, राइट टू हेल्थ बिल है क्या, लोग जानना चाहते हैं क्यों ये लोग विरोध कर रहे हैं? ये तो सर अखबार में सीएम साहब की अपील 3 दिन से आ रही है पूरे आरटीएस बिल के बारे में, और इसमें प्राइवेट हॉस्पिटलों का विरोध करने का यही कहना है उनका कि जो पेशेंट आएगा उसका इलाज करना है, आपको पैसा दे या नहीं दे, उसको ट्रांसपोर्ट करना है हायर सेंटर तक, और उसको लेकर के इनके विरोध है। तो ये थे हमारे साथ में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और सीएससी के इंचार्ज बाबूलाल जी राजपुरोहित, जिन्होंने कहा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहले से 2 गुना ज़्यादा ओपीडी बढ़ी है, उसको लेकर हमारी टीम भी पूरी तरह से मुस्तैद है। कैमरामैन किशन के साथ।